वेलकम बैक गाइज, आप सभी लोगों का स्वागत है पीसी टेक न्यूज के एक और नए एपिसोड में, जहां पर मैं कवर करता हूं पिछले हफ्ते के सारे पीसी टेक इंडस्ट्री वाले न्यूज। सो क्विकली लेट्स गेट डाउन टू द बिजनेस। दोस्तों सबसे पहली न्यूज आती है डेल की तरफ से। तो डेल अपना क्लाउड बिजनेस बूमी सेल कर रहा है फ्रांसिस्को एंड टीपीजी कैपिटल, इन दो प्राइवेट फर्म्स को। दोस्तों ये पूरी डील $4 बिलियन के कैश ट्रांजैक्शन में होने वाली है, जो इस साल के ईयर एंड तक हो जानी चाहिए। अब $4 बिलियन इंडियन रुपीज में कितने होते हैं मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताना, क्योंकि मैं तो कैलकुलेट करते करते थक गया। दोस्तों अगली न्यूज गेमिंग इंडस्ट्री से है। तो इंडियन गेमिंग इंडस्ट्री अब 7,770 करोड़ की हो गई है अकॉर्डिंग टू अ स्टडी। दोस्तों ये नंबर बहुत ही ज्यादा बड़ा है, और 2021 में गेमिंग इंडस्ट्री टोटल 18% से बड़ी थी। तो गेमिंग इंडस्ट्री नो डाउट बहुत ही तेजी से ग्रो कर रही है, ना सिर्फ इंडिया में बल्कि पूरे ऑल ओवर वर्ल्ड में। और अगर मैं बात करूं टोटल नंबर ऑफ गेमर्स की, तो कुछ स्टडी के हिसाब से ये कैलकुलेट किया जा रहा है कि 2022 तक टोटल नंबर ऑफ गेमर 440 मिलियन तक हो सकते हैं। और अगर करंट सिनेरियो की बात करें तो एज पर 2020 तक ये नंबर सिर्फ 360 मिलियन तक था। तो बहुत सारे न्यू गेमर्स अभी गेमिंग इंडस्ट्री में आने वाले हैं। दोस्तों इसी न्यूज से रिलेटेड एक और न्यूज पिछले महीने आई थी, जहां पर एचपी ने अनाउंस किया था अपने ओमेन ईस्पोर्ट गोल्ड इवेंट को। दोस्तों इस इवेंट में एचपी स्कॉलरशिप देता है गेमर लोगों को, जहां पर उनको बेनिफिट मिलते हैं 12 लाख तक के। अब बेसिकली होता यह है कि इसमें एक ईस्पोर्ट कॉम्पिटिशन कराया जाता है बहुत सारे गेमर्स के बीच, और उसमें से 3 विनर चूज किए जाते हैं, जिनको 12 लाख के बेनिफिट दिए जाते हैं। एचपी की तरफ से ये छोटी सी कोशिश है कि एचपी चाहता है कि इंडिया से और भी ज्यादा गेमर्स आए और उनका करियर गेमिंग इंडस्ट्री में बनाए। तो नो डाउट गेमिंग इंडस्ट्री काफी अच्छे से बढ़ने वाली है आने वाले कुछ सालों में। दोस्तों अगली न्यूज निकल कर आती है लिनोवो की तरफ से। तो लिनोवो अपने एग्जिस्टिंग एम्प्लॉई मिस्टर शैलेंद्र कटियाल को प्रमोट करके लिनोवो इंडिया के मैनेजिंग डायरेक्टर पोजीशन पर अपॉइंट कर रहे हैं। मिस्टर शैलेंद्र कटियाल पिछले 10 सालों से लिनोवो में एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर के हिसाब से काम कर रहे थे, और अभी उनको प्रमोट करके मैनेजिंग डायरेक्टर बनाया गया है लिनोवो पीसी एंड लिनोवो स्मार्ट डिवाइसेस सेक्शन का। यहां तक कि वो अभी इंडियन लिनोवो वेबसाइट भी लीड करेंगे। और शैलेंद्र कटियाल जी से पहले राहुल अग्रवाल इस पोजीशन पे थे, जिन्होंने 20 साल तक उसी पोजीशन पर लिनोवो में काम किया। तो लिनोवो काफी अग्रेसिवली अपने एम्प्लॉयमेंट स्ट्रेटेजी को चेंज कर रहा है, लगभग हर हफ्ते लिनोवो की तरफ से कोई ना कोई न्यूज आ ही रही है। दोस्तों अगली न्यूज गेमर लोगों के लिए गुड न्यूज है, क्योंकि Asus का मोस्ट अवेटेड लैपटॉप Asus ROG Flow X13 इंडिया में लॉन्च होने जा रहा है, वो भी 12 मई को। दोस्तों ये लैपटॉप पहला गेमिंग लैपटॉप होगा जो कि 2-in-1 लैपटॉप है, जिसमें एक्सटर्नल GPU भी सपोर्ट किया जाएगा। Asus ने इस लैपटॉप के बारे में बहुत सारी हाइप इंडियन मार्केट में बना के रखी थी। अब देखने लायक ये है कि Asus इसे कैसे डिलीवर करता है और इंडियन मार्केट 2-in-1 गेमिंग लैपटॉप को कैसे एक्सेप्ट करती है। तो जैसे ही मुझे इस लैपटॉप के बारे में और कोई ऑफिशियल न्यूज मिलती है, तो मैं आपको उसके बारे में अपडेट कर दूंगा। अगली न्यूज निकल कर आती है अविता इस ब्रांड की तरफ से। तो अविता अपने लैपटॉप्स को सेल आउट करने के लिए रिलायंस डिजिटल के साथ टाइप कर रहा है, और आने वाले कुछ समय में आपको रिलायंस डिजिटल के मॉल्स पर अविता के लैपटॉप्स भी देखने मिलेंगे। तो दोस्तों पिछले हफ्ते यही कुछ मेजर न्यूज थे जो मुझे आपके साथ शेयर करनी थी, और अगले हफ्ते इसी तरह से इस हफ्ते के सारे न्यूज मैं आपके साथ शेयर करूंगा। तो इस सीरीज को जरूर फॉलो कीजिए। तो दोस्तों अगर आप इस न्यूज सीरीज को अप्रिशिएट करना चाहते हो, तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, ताकि ये वीडियो और भी लोगों तक पहुंच सके। और मैं मिलूंगा जल्दी ही आपसे अगले वीडियो में। टिल देन टाटा बाय बाय।